को आगे देखभाल के लिए। अब तुमको पता है कि अब अपने इलाके में घास फूस की कमी हो गई है। आज माँ ने भी आज्ञा की है कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुमको अपनी गाय की देखभाल के लिए कहीं अन्यत्र जगह पर जाना होगा। मैंने विचार से कोसी पार चलते हैं। ऊंची पचासी कोई बोल रहे और दूर से ही बोले कि बहुत घास दिखाई पड़ती है। तो वहाँ बहुत घास मिलेगा मालिक। हाँ तो जल्दी करो, सारी गाय को खोलो और लेकर चलो। हाँ मालिक, तुम्हारे जाते हैं मालिक। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ
कि मोहन मरण के इलाके में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करोगे? तुमसे दोस्ती स्वीकार न करो, वो भी तुम्हारे ओर से दोस्ती करता। हमें भी विश्वास, तो पहले मेरे घर चलो, पास में ही मेरी माता का मकान है, तब माता से मिलेंगे, कुछ भोजन करेंगे और तुम्हारे घास के लिए और तुम्हारे जो गाय है इसके चारा के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ। आओ गले मिलते प्रस्थान कर। धन्यवाद, तुम इधर गांव को देख लो, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। ठीक है मलिक। संदेशा आया है। क्या? मुझे घर बुलाया गया है। किस लिए मालिक? वो तो मैं नहीं जानता हूँ, अचानक एक राही ने आके कहा कि विशु तुम्हें माता याद कर रही है। तब तो आपको जाना चाहिए। हाँ, इसलिए आज ही मुझे मिट्टी के लिए प्रस्थान करना होगा। मैं क्या करूँगा मालिक? तब तक तुम इन गौ माता की सेवा करो।
किसी पर निराशी करने की आज्ञा दी और साथ ही रास्ते में चिंता राम लहरी ये भी मिलने की बात है। तो मैं माता की आज्ञा लेकर सुनते हैं, आप ही से कह रहा हूं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ भाई साहब, हम तो इसी गांव का रहने वाले हैं। अच्छा, तब तो आप चिंताराम लहरी को जरूर जानते होंगे। कौन चिंताराम लहरी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो चिंताराम लहरी वाला बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बगल में देखिए आम का गाछ है, शायद इसी के बगल में। वो जो उत्तर दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। अच्छा, उसी के बगल में है। उसी के बगल में। धन्यवाद भाई साहब। विश्वनाथ चिंताराम लहरी का घर ढूंढता हुआ सुजागंज बाजार में चिंताराम लहरी के यहाँ पहुंच जाता है। ओ भाई चिंताराम, चिंताराम कौन हो भाई? मेरा नाम विशु है। अरे भाई, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहते हो? मैं तुमसे आज जुआ खेलना चाहता हूँ। जुआ? और मुझसे? जानते हो, आज तक किसी ने मुझसे जुए में नहीं हराया मुझको। और जुआ खेलोगे? सोच लो भैया, मैं जुए का पक्का खिलाड़ी हूँ। वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन पक्का खिलाड़ी है और कौन कच्चा खिलाड़ी है। अच्छी बात है, अगर खेलना ही चाहते हो तो आओ, दो दो हाथ हो जाए, बैठो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लो भाई, पहला दांत तू ही फेंको। मैं फेंकूं? हाँ, सोच लो। बिल्कुल सोच लिया है। क्या लोगे? मुझे छा चाहिए है? और इसके बदले ये लो, मैं अपनी संपत्ति लगाता हूँ। लो, मैं भी लगाता हूँ। अगला दांव तो फेंको। और खेलोगे? बिल्कुल। इस बार क्या लगाते हो? इस बार मैं अपनी बची संपत्ति लगाता हूँ दांव पे। इस बार भी मेरा अंक छह होगा। ये और खेलोगे? बिल्कुल। अभी तो मेरे पास गौ माता बाकी है। पुत्र विष्णु, आसन बदल के बैठो, जीत तुम्हारी ही होगी। मैं भी देखता हूँ इसकी माँ ने कितनी संपत्ति जमा की है इसको जुआ में हारने के लिए।
फिर से पासा फेंको। क्यों? क्योंकि तुम पहले से उठा लिया, मुझे गिनती नहीं करने दिया। होशियार मालूम होते हो। इस बार मैं अपनी नर्वे लाख गाय दाव पे लगाता हूँ और मुझे वही अंक 6 चाहिए। इस बार दाव मेरी। अब कहो चिंता राम। अरे भैया, मेरे गांव के बदले में तुम्हारी रकम पूरी नहीं हो रही भाई। मेरे पास तो जो था तुमने ले लिया, हरा दिया मुझे। मेरे पास तो बस मेरी पत्नी है, अगर तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। चुप करो, मैं तुम्हारी पत्नी को लेके क्या करूंगा? अरे भैया, अपने घर में रखना, उसे झाड़ू करवाना, गायों को चारा खिलवाना, पोछा करेगी, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। अब भी यही है मेरे पास। ठीक है, तुम जाओ और एक लोटा पानी लेके आओ और साथ में पत्नी को भी लेके आओ। पत्नी को? हाँ, एक लोटा पानी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करूंगा भैया, बेईमानी नहीं करूंगा। चूहा तो चूहा ही होता है।